नारायण नारायण नारायण। का बात बा प्रभु, आज राउर मन पृथ्वी के परिक्रमा करे के करत बा? हाँ नारद, आजकल पृथ्वी पर पाप बढ़ल बा, भक्ति घटत जात बा, स्थिर बुद्धि नाही रही गई। लोगन के ई नहीं मालूम कि खाली भक्ति से ही परम सुख मिल सकत है। ई सब देख के बहुत दुख हो रहल बा। जी हाँ प्रभु, यह समय हर मनुष्य आपन इच्छा पूरा करे के खातिर ही भगवान का पूजा करेला। अगर वो जौने स्वरूप का पूजा करत बा, वही स्वरूप में ओकर इच्छा पूरा ना भइल, तो वो तुरंत ही दूसरा स्वरूप पूजे लागेला। वो मूर्ख ई नाही जानेला कि ई सब स्वरूप रउआ का अलग अलग स्वरूप बा। हाँ नारद, रउआ सच कहत बानी, लेकिन एगो सच्चा भक्त कौनो भी मुसीबत ऐले पर अपनी भक्ति नाही छोड़ सकत है। वो अपने भगवान से लड़ी लई झगड़ लई नाराज हुई, पर ओकर भक्ति अटल रही, ओकर मनमा नाही भटकी। प्रभु क्षमा करी, पर हमके ई लागत बा कि ई कलयुग में आपके अनुसार भक्त मिलल असंभव बा। नाही नारद, जैसन बुराई होत बा वैसे ही अच्छाई होत बा, सभी लोगन एक जैसा नाही होवत। हाँ, ये सच बा कि आजकल धरती पर पाप बढ़ रहल बा, लेकिन अबही भी सच्चा भक्त बाटे और वही भक्तन के कारण ई दुनिया टिकल बा। हमके तो धरती पर ऐसन कोनो भक्त नजर नहीं आवत बा। है ना, ऊ देखी। ई हमार भक्तन पवित्र मन से पूजा कर रहल बा, हमरा के खुश करे के खाती और कुछो ना चाही, खाली सच्ची भक्ति बहुत बा। प्रभु, अगर आप आज्ञा दें तो हम परीक्षा लेहल चाहत बानी, काहे कि हमके विश्वास बाकी संकट पर संकट आवे पर ये भक्त बाल का भी बदल जाए। ठीक बा, अगर ओबा हार जे में तब? प्रभु, ये बारी हारल मुश्किल बा, फेरू हम अगर हार गयली तो 1000 बार उठक बैठक करबे। तो अब शुरू करी? जैसन रवा के मर्जी। नारायण नारायण। लेके तोहर पूजा करत बानी, तोहरा के मालूम बा कि एही पागलपन खातिर इतना लोग हमार हंसी उड़ावेला, इतना लोग तान हमारे ला, हमार जीयल दुश्वार हो गईल बा। भगवान, अब संतोष ना ही हो, हमार मन में तब और दुख पहुंचेला जब तू तो चुपचाप सब देखत रहला। हमरा एक मनोकामना पूरा करता भगवान, नहीं तो हमार विश्वास टूट जाए। हमरा के एक पाका जवान सचिला मरत पति के रूप में दे दा भगवान। सतपाड़ू, एक गणेश भक्त पर हंसत आड़ू,
हमारी इच्छा सुन के केहू भी हसी कि एक बुढ़िया के सुंदर नौजवान पति चाहिए, असंभव। लेकिन ये गणपति पप्पा हुवन ये असंभव के संभव बना सकेलन, देखल चाहताड़ो। हमार घाव पर तू जो नमक छिड़क ले होकर दर्द के एहसास तोहरा के होई। गईल भगवान, गणेश भगवान, हमसे कौन गलती हो गई का? गाय के चारा डाल रे। दीदी हमरा का तोहार वाला चाही। दाना तोहार उहा तो ओकरा से खेला। दीपा नहीं, हमार गुड़िया दे दे, नहीं तो हम बापू से बोल दे। अरे दीपा सुना नहीं दे। दीपा रुक जा, संभल के। अरे दीपा कहीं चोट लागल का? बापू देखा ना, दीपा हमार गुड्डा ना देतिया। संध्या बिटिया, अब तोहार खेले के दिन ना रह गई, अब तोहके जिये जागत गुड्डा ले आके देव हम। भास्कर कैसन बात कर बाटा भाई, देखा हमके दहेज वहेज ना ही चाहिए। हाँ लेकिन इतना जरूर कहब कि हमरे बरतियन के आदर सत्कार खूब अच्छी तरह से होके चाहिए, देखो वो हमें कोनो कमी ना हो चाहिए। तो फिर संधी जी लड्डू खाई। अब भी खाई तो गले मिली। कौशल्या, संधि जी कहले हैं कि आपकी इच्छा हो तो दहेज दा या मद, लेकिन बरतियन का स्वागत बहुत अच्छा होके के चाहिए। आखिर हमरे घर का पहला बियाह है, हम दिल खोल के खर्चा करब। ओफो, जितना चादर होके उतना पांव फैलावे के चाहिए। फिर शुरू हो गई तू। ठीक बा, तू सड़क पर आ जा। हमके का? हमार दूसरो बेटी भी बा, ओकरो बारे में सोच नहीं रहुआ? अरे तू काहे चिंता कर बाड़ू, हमें चिंता नहीं बका। कौशल्या, हम हई न, तू काहे चिंता कर बाटू। और तू गुस्सा में बहुत नमकीन लागेलू, ऐसा लागेला कि हमरे ब्याह के अबहिन 25 बरस भइले ना बा। जा जा, ज्यादा मस्का मत लगावा। अरे लड्डू तैयार हो गए हो तो जरा चखावा। हाँ चखी। बड़ा कंजूस बा, पिछली बार मीठा ऐसा डाल रहे कि ठीक बा। देखा 5 किलो बूंदी के लड्डू और 5 किलो गुलाब जामुन, कम ना होई के चाहिए। जी जी जी। ईला फिर कहीं हमरा के। बीवी जी आपके साहब बुलावले हैं। अरे का बा ऐसे हुकुम चलावे ले जैसे हम बीवी नहीं नौकरानी है का? वो साड़ी और गहना खरीदे के बा न। हाँ तू जा, हम आवत है। ओहो ये देखी, ये सब बनारसी साड़ी और कांजीवरम है, जरी वाली नहीं, ये कुछ जमल नहीं। कौनो अच्छी भारी साड़ी दिखावा। दिखाओ दादी।
कच के बोझ कोई नमक के बोरी नहीं जो पानी में डाले के घुल जाए। अरे ई तो रुई के बोरी बा, पानी में डालते ही भारी हो जाए। हम साड़ी पसंद करे के बोलौली हैं, इज्जत उतारे खातिर नहीं। अरे पैसा बचबा ता इज्जत तो बची रही। सब कुछ बड़की बेटी के शादी पे लुटा दे तो छुटकी का कहा होई। हम ई वक्त तोहर मुंह नहीं लागल चाहत भैया। संध्या खातिर एक ठो बढ़िया साड़ी दे जी। ई ले। हां बांटे खातिर। हां ई ठीक है, बांटे खातिर हल्का साड़ी दे दा। ठीक बा बीवी जी। ई जेवर आयगल जो आप ऑर्डर देले रहली। ई ले। हाय भगवान, इतना सब गहना का होई? तू रहे द, हम देख ले। तो हमरा के बुलाए का है? बीबी जी घी वाला आयल बा। हां ले हम बतियाई का तू तू मैं लगावले बाड़े तोहन। हां बीबी जी आई। देखी आई है एकदम बेकार बासी। इतनी ठीक बा, 20 किलो भिजवा दी। हां ठीक बात दीदी जी। आज तो हम बहुत थक गई ली। भगवान करे दर्द सही ना हो। लागत बा 1-1.5 लाख रुपया तक खर्च हो जाए। का 1 से 1.5 लाख रुपया? सबेरे 50,000 की बात कह रही ली, अब 1.5 लाख तक पहुंच गई ली। देखी हमने के पास अपन पैसा तो बा नहीं, कर्ज पर कब तक हमने के जीव। दूसरे बचपन के भी सोची, ई बराती जौन होवन ना, ई आज तक कभी खुशी नहीं रहलन। कौनो भी बारात में जइए, घर में खाए के सूखी रोटी और वहां जाके कहिए ई का तेल कैसन। ची ची ची, नमको भी ठीक नहीं बा। आय हाय हाय, मिर्ची बहुत ढेर पड़ गई। हम तो पूछा था बरातियन के आज तक केहू सुखी रख पौले बा। बरातियन के चिंता छोड़ दा तू, जब से भगवान की ई दुनिया बनल बा, बरातियन के आज तक केहू भी खुश नहीं रख पौलस। जेकरे घर में दोगो सूखी रोटी नहीं, ओहो बरात में जाके हिटलर बन जाला। तेल खुशबूदार नहीं, अरे ई साबुन कैसन बा। आय हाय हाय, ई कुर्सियन में खटमल बा। बरातियन खुश रहे वाला जीवी नहीं होवे। कौशल्या आखिर तू हमसे का कहल चाल बाटू? ओफो, हम तो ई कहत है कि रउआ अपन मन पक्का कर ले कि 1 लाख रुपया से ज्यादा खर्चा नहीं कर दे। देखी हमने के आपन तो कुछ है नहीं, कर्जा के सहारे कब तक जिएबे। और फिर हमने के और भी बेटी बेटा बाड़े, उहन के बारे में भी तो सोची। तो हमका आज मरल जात बाटी। ओफो देख, मरे के तो एक ना एक दिन हमनी के सबके हैं। केहू भी अमर होके खातिर नहीं आई ली यहाँ। बिहान तो के कुछ हो गए तो हम और हमारे बच्चे तो सड़की पे आ जाइए है ना। तो ये समझ ले कि हमरे मरले के दिन करीब आ गई बा। यह तू कल चल बाटू ना। ये सुहाग से तोहार जीव उब गई बाई, पहला बार देखत आई। नई बात सीखे के मिलल है, विधवा भइले पर सुख जरूर होई। अरे दूसर मर्दन के देख, वो अपने मेहरारून के लौंडी बना के रखे। लौंडी नौकरानी है? तो हम का तोहार गुलाम है। अरे ऐसन मर्द और होई हैं जोन औरतन के सारन पर नची हैं। ऐसन मेहरारू भी और होई हैं जो मर्दन के जूतियां सहली। सुना, पैसा हम कमा के लाईला, जैसन चाहब वैसन खर्च करब। हम के रोके वाला पूछे वाला केहू ना बा, केहू के अधिकार ना बा। ई बात बा तो संभारो अपन घर, हम ना रही वही घर मा। तू का समझेलू, तू नहीं संभरबू तो हमार घर ना संभरी। अरे हम तो ऐसा 10-10 घर संभार ले। देख लीहा, 1 महीने में ई घर मिट्टी में ना मिल जाए ना तो हम अपन नाम बदल ली। अच्छा तो मई के चल जाइबू, वहाँ पैसा वाला बैठल बा ना, तो पैसा के घमंड बा। मायके वाले हमरे तकदीर के साथी नहीं होवे, और हम इतना गिरल नहीं है कि मायके में जाके बैठ के रोटी तोड़ी। तो कब जाइबू मायके? अरे पूछे वाला तू के हुआ। मेरे साथ रहल भी पापा। अरे बचपन के मुंह देख, सज्जो सहद बाटी, नहीं तो कब के चली जात। हमहू लड़कन के मुंह देखत है
नहीं तो कब का छोड़ दे होती एकरा के। जिंदगी खराब कर दे हमार। रात दिन साथ साथ परेशान हो गई। मरे के तो एक नाई दिन हमने के सबके हैं। अपने सुहाग के मारे की तैयारी देख ली हाँ। एक महीने में ई घर मिट्टी में ना मिल जाए तो हम अपन नाम बदल देइबे। ऐसन मेहरारू ना देख ली जे अपने घर का बर्बादी चाहे। ऐसन मेहरारू और होइए जोन मर्दन के जूतिया सहली। सब करता धरता हम अब गुलाम जैसन जिंदगी। इस अच्छा मर जाप ठीक है। अब जी के का करो। शायद रउआ भी हमार भाग्य बदल नहीं पावत बाटी। Mm-hmm.
हाँ, कौशल्या जन्मदिन मुबारक हो। धन्यवाद। कमाल है, रघुआ के हमारे जन्मदिन याद हुए। काहे नहीं। अच्छी अच्छा रुकी रुआ रुकी। बिराजे पंडित जी, भाभी जी चंदर कहत रहला कि रुआ हमके याद कर ली है। जी पंडित जी, ये तो हमसे ऐसे रूठ गई ले कि वापस नहीं आई है। इनकर फर्ज तो अब हमरा के निभावे के पड़ी, तभी इनके आत्मा के शांति मिले। रउआ तो जानते ही बानी पंडित जी, ब्याह के कितना तैयारी हो गई रहल। अब ब्याह के बीच में रोकल तो इनके सज्जो मेहनत पानी में मिल जाए। आप ठीक कहते हैं भाभी जी, ई शादी कह दी हली ठीक रही, नहीं तो सज्जो तैयारी बेकार हो जाए। ये हम समधी जी के हम सज्जो लिख दिए बाटी, उनका दे देवे रहुआ। ठीक है भाभी जी, हम आज जाके समधी जी के दे दे और उनसे पूछ उनका जवाब का है। हम चलते हैं। दीनानाथ जी नमस्कार। अरे पंडित जी आई 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 बैठे। अरे रामू शामू भवानी शंकर, कहां मर गए सब के सब, दर्जन भर नौकर हूं। अरे क्यों भाई यहां आवे के, अरे आवा यहां। सरकार अब हमके छुट्टी दे दी, ऐसा नौकरी हमसे कर ली। अब चुप भाग जा, तनी काम का दे दहली, रोवे लागला बस। पंडित जी खड़ा हुआ कुर्सी दे। और कहीं पंडित जी सब कुशल मंगल तो है। दीनानाथ जी कैसन कुशल मंगल, सबका घर माटी में मिल गई। अरे का उठा के लैला है, कुर्सी नहीं मिलल का? अभी कुर्सी मेज हमरा से नीचे उठत, जब देखा तब बहाना करा। चल भाग, बैठी पंडित जी मूर्ख है। धन्यवाद दीनानाथ जी धन्यवाद। आय हाय हाय, भास्कर हमार बड़ा पुराना दोस्त रहल, आदमी नाई रहल पंडित जी, हीरा रहल हीरा। हमार तो जैसे दहिना हथवा कटी गेल। जब से ही खबर सुन ली है पंडित जी, हमार तो कहीं मनवा नहीं लागे। खाना खाए बैठी ले तब कवर मुंह में ना ही जाला। अरे केहू के अपने भाई के गैले से इतना दुख ना होई जितना हम के भास्कर के गैले से हो गेल बा। हीरा रहल हमार भास्कर। आपसे यह आशा रहल दीनानाथ जी, आप महान पुरुष हैं महान पुरुष। आज के जमाना में ऐसा महापुरुष कहाँ हुए जे आपन खुद का बेटा के पिया बिना दहेज का कह दे। शायद ईश्वर के मंजूर नहीं रहल कि वो लक्ष्मी हमरे घर का शोभा बने, वरना इतना बड़ा बिजली हमरे घर पर ना टूटे। कुल मंसूबन पर पानी फिर गई। पंडित जी भास्कर का याद काफी रहल हमके रोलावे खाती, और यह बच्ची के सामने देखब तो न जाने फिर हम का कर बैठब। अगर ये बच्ची हमरे घर में आए गल तो हमार जीएल कठिन हो जाए। पंडित जी ऐसन मत कहीं सरकार, वकील साहब ना हुए तो का भई। अरे वकील साहब का जगत आप हैं, आप ओकर पिता समान बानी। सरकार अगर रहुआ अपन बच्चन से फिर गई नी, ये में आपका बड़ी बदनामी हो सरकार। अरे हाथी मरले के बाद भी 9 लाख के होला, लाख विपत्ति हमारे भाभी जी पर आयल है, लेकिन आपके खातिरदारी में भाभी जी कौनो कसर ना रखी है।
का कही पंडित जी, यकीन मानी यह बच्ची से जितना हम प्यार करीला उतना हम अपनी लड़की से भी नाई करीला। लेकिन जब ईश्वर के ही मंजूर ना ही तो हमरे बस में का है। पंडित जी ये मुसीबत के एक आकाशवाणी है जौन ऊपर से हमके हो रहा है। ये रिश्ता ठीक नहीं है। अब आप ही सोची यह दशा में इस संबंध उचित होगी। दीनानाथ जी ऐसा मत सोची, बच्ची बड़ी भाग्यशाली है, आपके घर का लक्ष्मी बनी। एक बात और, एक खत हमार भाभी जी दिली है, एक पढ़ ले और पढ़ने के बाद हमके आदेश दे ताकि हम भाभी जी के जवाब दे सकी। ओह हमके माफ करी पंडित जी, हम तो आपसे पूछती ना कि शरबत या पानी हम आपके का मंगा दे आपके पिए खातिर। दीनानाथ जी शरबत वरबत का तो आदत नहीं बा हमके, आप कहते हैं तो मिठाई खा ले हम। अच्छा अच्छा मीठा, अरे भवानी पंडित जी के मिठाई खिला दे जितना खाए चाहे। पंडित जी है? आप जाके मिठाई खा के आ जाई, इतने में आप अपनी पत्नी से सलाह ले लेते हैं। अच्छा दीनानाथ जी धन्यवाद। गांव से पंडित जी आयल बाटे, खत लाइल हुए, कह दी रहुआ कि हमनी के ब्याह करना मंजूर नहीं। साफ बात बोलने में कोनो संकोच नहीं, हमनी की इच्छा बा ना ही करब, केहू से कुछ ले ली तो ना ही। जब दूसरे जगह से लाख रुपए मिलत बा तो वहाँ कहे ना करे। अगर जो वकील साहब जिंदा रहते तो शरमाते शरमाते 50,000 तो दे ही देते, अब वहाँ का रखल बा। नहीं नहीं देखा, एक बार हाँ कहले के बाद मुकरल ठीक नहीं, खत पढ़ला। आदरणीय भाई साहब प्रणाम, ये अभागन पर दया करी और हमार डूबत नैया के पार लगाई। हमरे पति के मन में बहुत इच्छा रहल लेकिन ईश्वर के कुछ और मंजूर रहल। अब हमार लाज रउआ के हाथ में है, लड़की तो रौर हो ही चुकल बा। हम रउआ लोगन के सेवा सत्कार कईला आपन सौभाग्य समझब, लेकिन ए हमा कोनो कमी रह जाए तो हमरे दशा पे विचार कई के क्षमा कर दी हल जाए। हमनी के विश्वास है कि रउआ स्वयं या भागन के निंदा नहीं होवे देवे। खत दिखा के बहुत बड़ी गलती कहली हम, हमनी के वहां ब्याह कर देवे के चाहिए। रुकी हम पंडित जी के देखता नहीं। हाँ हाँ पंडित जी बाटी, हमने के उही ब्याह करे के चाहिए। देखी बेचारे बहुत मुसीबत में बा। कैसन बच्चन जैसन बात करता हूँ, हमार कोनो इज्जत का ख्याल है कि ना ही। अरे एक बार तो मना करके आ गई उनके। अगर रउआ हाँ कह के आई होती और हम मना करती तब में रउरा हिसाब से सच्चो उचित रहत, लेकिन ना कहले के बाद हाँ कहले में तो अपने बड़कपन हुई ना। हमके ये लुच्चापन नजर आवत है। जर आईना में तो देखी कितना झेप गई बाड़ी। ठीक है हम झेपल ही सही, लेकिन ये शादी वहाँ ना होगी। हमरे बला से चाहे चाहे करी, लेकिन एक बार सागर से तो पूछ ले। ठीक है ये फैसला सागर पर छोड़ दे बस। का हाँ सागर। सागर बेटवा तू वहाँ ब्याह कर बक नहीं। शादी तो कर ही के बा माई, लेकिन कौन ऐसन जगह शादी करवावा जहाँ कम से कम 1,00,000 रुपया तो दहेज में मिले। वह बुढ़िया के लगे अब का रखल बा। तो है ये बोलने में शर्म नहीं आवत है माई? यह हमें शर्म का कौन बात बा, रुपया के बुरा लागेला।
लाख रुपया कमावे में शायद तो हमके लाख जन्म लग जाए। तका पैसा खातिर कौनो लड़के से शादी कर ले बा। धन सच जो ऐब के दबा दिला माई। दुधारू गाय के लात केकरा के बुरा लागेला। अगर वो पैसा दे तो ओकर गरियो सह लेब हम। बेटुआ ऐसन मत बोल, वो गरीब है। माई अगर वो गरीब है तो हम का करी, गरीबन के संग रिश्ता बनावे के चाहिए ना। आपन हैसी से बढ़ के फिर हम ना करो। बहुत अच्छा। बढ़िया बात कह रस बेटवा, आखिर बेटा के कर है। अरे पंडित जी आ गईली, कुछ खैली वैली की नहीं? हाँ, आपके हलवाई के दुकान पर मिठाई खा ले हली है। अच्छा हाँ, कितना खैली? यह 3 किलो मिठाई और आधा किलो रबड़ी। बाप रे, पेट है कि गड़ा? एक दिन और रुक गए तो कुल दुकानियां खा जाई है। नहीं नहीं, देख लू तू वहां ब्याह करे के कहत बाटू और ये पंडित वहीं साइल है और 3 किलो मिठाई खाए गए आधा किलो रबड़ी, इतना खा लाई ओकर के हम ब्याह नहीं कर सकती। फिर भी एक बार सोच नहीं? नहीं नहीं कर बस। अजी कह दली ने एक बार। अजी छी 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 छी, इतना घटिया आदमी हुआ, हम तो इनकर बड़ा नाम सुन ले रहली। अरे ये थोड़ा सा मिठाई हम का खा ले हली, ओकर वजन मापत बाटे। छी, भगवान इनकर कल्याण करे। दीनानाथ जी, अब हम प्रस्थान करल चाहत हैं। पंडित जी एक दिन और रुक जाती तो ठीक रहत है ना। दीनानाथ जी, हम राउर का बड़ा नाम सुन ले रहली, लेकिन ई नहीं पता रहल कि यहाँ हमरे भोजन पर नजर लाग जाई, हमरे खैले मिठाई के वजन मापल जाई। भगवान आपका कल्याण करे। अरे बाप रे, कहीं बोल न दे, इज्जत चल जाई। पंडित जी, एक मिनट पंडित जी, आप भी कमाल करेली। ई ले करारा करारा नोट। खुश रही हैं? हम 10 रुपया कब्बो जिंदगी में ना देख ली। दीनानाथ, तू अगर जो अपने बापे का औलाद होता ना, तो अपने बाप से मुकरता नहीं। जी तो करत है तोरा मुंह पे काली पोत दी। धोखेबाज, घटिया इंसान। बारात कब आई? चंदर तो कहत रहेल कि 2-3 दिन में आ जाई। आई ना माई? नहीं आई बारात। जे हमरा घरे बारात लेके आवे वाला रहेल ना, उकरा घरे में आग लग गई। सच माई, तब तो पूरा घर जल गयल रही। दीदी वहां जाकर कहां रही? पगली, आग नहीं लागल बा, उ हमरे घर में ब्याह नहीं करी है। उ का है माई? पहले तो सब ठीक ठाक रहल ना। बहुत रुपया मांगत है, अ तू जानत हो ना बेटा, उनका देवे खातिर हमरे पास रुपया हुए कहां। बहुत लालची बना वो लोग। लालची नहीं था और का, निर्दयी और कसाई हुए। तब तो बहुत बढ़िया भइल माई कि ओकरा घरे दीदी का ब्याह ना ही भइल। दीदी ओकरा लगे कैसे रहती? और ये तो बड़ी खुशी की बात है ना।
इकरी बातें में कितना बड़ोवर सच्चाई बा, इतनी छोटी सी उम्र में कितना बड़ोवर बात कह गई। भाभी जी। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते, आइए। कहीं बात बनल पंडित जी? भाभी जी, पांच जगह हम बात करके आयल हई, पांचों अच्छा घर है, पांचों का फोटो ले आयल हई। खानदान कैसन बा? अरे मत पूछी भाभी जी, बड़ा ही उत्तम बा। हमरे ख्याल से वकील के रिश्ता ही ठीक रही, और 40 की उम्र ज्यादा नहीं होले। 40,000 का मुंह मत देखी भाभी जी, पहले वाला लड़का भी बहुत अच्छा बा, उ संध्या बिटिया के लिए बड़ी अच्छी जोड़ी रही भाभी जी। लड़का तो हमहू के पसंद बा पंडित जी, पर 40,000 कहां से लाई? हमार अपन बेटी है, आ अपनी बेटी के सुखी नहीं देखल चाहिला। हाँ। नहीं पंडित जी, हमरे ख्याल से वकील की रिश्ता ही ठीक रही। हमरे लड़की की किस्मत है, अगर ओकरे किस्मत में सुख भोगल दिखल रही तो आखिर तक सुख भोगी। हाँ। जहाँ तक उनके बच्चन का सवाल है, हमार संध्या बच्चन से बहुत प्यार करती है, अपने बच्चन के लेखा पली है। पंडित जी, हम ते कहते हैं कि गणपति का नाम लेके रउआ ये रिश्ता तय कर दी। ठीक है भाभी जी, जैसे ना आपका आज्ञा। अच्छा हम चलते हैं। अच्छा पंडित जी। नमस्ते। नमस्ते। अरे हमारी संध्या बहुत सुंदर लागल बाड़ी। अरे ना तो हाँ ही सुंदर। देखो देखो कैसे सजा है। इनके सैया जी का नाम देखो मैया जी में याद आवत है। अरे नथुनी जरा कस के लगाओ ताकि जल्दी से निकले ना। बहुत सुंदर लागे भाई। सुना ना? हाँ। आवा। हाँ। वो देखा। Thank you.
पैसा लेत बानी। बाबूजी जैसन आदमी के पति रूप में कैसे देखी। हे भगवान, हम तो रउरा भक्की का बहु मजाक नहीं खे उड़ावली, तो फिर ऐसा सजा काहे दिहेली। प्रभु, रउरे भक्की ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आ गईल बा। अब हम सुना ऐसन होत बा। हम जाने तानी कि जीवन एक अग्नि परीक्षा है। हे प्रभु, हमारा रउरा अलावा और केहू दूसर नहीं खे। अगर रउआ हमसे नाराज बा, अगर रउआ हमसे नाराज बनी, तो हम मरल पसंद करब। बोला प्रभु, बोला प्रभु, बोला देवा। उठो संध्या। हम तोहरा से एकदम नाराज नहीं आई, तोहरे जीवन में ही नहीं, सजो प्राणी के जीवन में घटे वाली घटना विधि के विधान है। जिंदगी के ही खेल में तोहे आपन जिम्मेदारी सुख दुख भुला के निभावे के चाही। हमार कृपा तोरे पे हमेशा रही। बेटी संध्या, हे गणेश देवा, संध्या बेटी, उठो, संध्या, Ha ha ha!
रूपा तोहार माई कहाँ बाड़ी? माई खाना बनावत बाड़ी। उ दिन गईल बेटा जो बुआ के राज में टेम पर खाना खात रहनी, तो हर सोते ली माई हैया कब खाना मिली, कैसन खाना मिली राम जाने। जी संध्या, तू यहाँ खुश तो बारू ना? जी हाँ। सुना देखा, तोहरा खातिर एगो साड़ी ले आयल बानी, कैसन बा? अच्छा भा। माई रोटी चाही। हमरा के 10 रुपया दाना काहे खातिर मांगत पड़ू? आहा मलकिन बन गई लीन महारानी। हमरे बचपन के भीख मांगे के पड़त है। तू का जाने बचपन का दर्द। आओ बिटुआ आओ। जो चल हम दे थे तोरा के। बात बताओ बड़े भैया। नहीं माँ, बहुत खराब होवे लगा। हमहू ये सुन ले रहनी, बुआ कहत रहे बच के रहिया। आवाज बड़ी सौतेली माई का ना बड़ा खराब है, लेकिन हम तुहार सौतेली माई नहीं दोस्त बानी, ठीक है? हम अगरबत्ती जलाते नहीं। जलावा आरतील। एक मिनट। लव तू खेला। चलो भैया देखी नौ की माई के का भेल। चल चल के देख ले। एक मिनट एक मिनट माई, दर्द होता माई री अभी दांत निकाल दूं मैं। तेरे निकाला तेरे। एक मिनट माई आराम से ठीक हो जाए। एक दर्द होता माई। चल चल हम घरे छोड़ देते नहीं। ये हम का देखत बानी? चलो माई धीरे धीरे पैर धोला सब ठीक हो जाए। चलो माई चलो छोड़ देते नहीं। हमरे संगे नहीं खुश रहता है। चला हम छोड़े तो नहीं माई। हम ले नहीं माई नहीं हम चली जाए। देखा आराम से चल।
खेल सकता है। अरे अब के करे खातिर शंगार पिटार करी के बा देखे वाला संध्या। हम तोहरा के दिल के रानी बनावत चाहत बानी। हमार मनवा करत था कि दिन भर तोहरा के देखत रही, ऑफिस नाही जाई। का तू भी हमरा के अपना दिल के राजा समझत हउ? तू सूरत बारू की नाही? अरे आवा 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 है बाबू आवा। आजकल तक खूब चलत हुई नौकी मेरा रू के चपक के बड़ा मजा आ जात हुई। हम और सोचा था नहीं कि दूसर ब्याह कर ली। नहीं ऐसा हिमाकत ना कर बैठियो, नहीं तो पछताई बा। अरे छोकरिया तू छकरवन से खुश रहत वाली ना? हम सब उ काम के ना ही रहे, सोच ली कि जिंदगी के दो चार साल और मजा ले ले ही। लेकिन सर मुरवते ओला पड़ल। हमार एगो बात माना, एजा बिजली के एगो डॉक्टर आइल बड़े, उ चेहरा के सगरो निशान मिटा देले। कोनो सस्ता नुस्खा बतावा, कोनो फकीरी जड़ी बूटी। अरे लगे ना फिटकिरी रंग चुका। अरे बिजली के डॉक्टर तुही के मुबारक। तैगो काम करा, तू रंगीला बने के स्वांग रचावा। ढीला डाला जे कोट बाना उतार फेंका, आ टाइट पैंट पहनला, बाल रंगाला, आंख में सुरमा लगाला, आ लहरेदार बुशर्ट पहनला, आ दू चार गो शेरो शायरी आ गजल मार दिया। फायदा जरूर होई, बुढ़वन से दोस्ती छोड़ द। आज से बुढ़वन के संग दोस्ती बंद। बानन सुख संध्या, अब हम तो हार दिल जीती के रहम, कसम हम के दाना सिंह के। हाय भगवान। संध्या बुढ़वा जवान बड़ा लगल रह, बुढ़वा लगल रह, कुछ ना कुछ तो हर हो जाए। खूब बढ़िया, खूब बढ़िया रह। पानी चाहिए क्या तुम्हारे लिए? Oh,
खातिर हमरा का का न करल पड़ी। हे भगवान, ई का भइल बाबूजी? का भइल बाबूजी? दे हम लगा दी। हमरा के नहीं मालूम बाबूजी के का भइल बा। चला का करत रहे। संध्या, अब हूँ भी अभी मत नहीं हर ले पाटी। तेरकी गे मारे गुलेल बाजीरा उड़ी उड़ी जाए अहिया में अब सिमट के अब लाजा शरम बिसराजा भैया में अब सिमट के अब लाजा शरम बिसराजा नाचक देहिया नचके से नाचक देहिया नचके से जैसे मामा की डाली पतर की के अरग लेलवा। बड़ा जवान होवत बाड़ा। अब हम दिखावतानी कि जवानी कैसन होवेला। अब आई संध्या, आज हमरा के 3-4 चोरन से सामना हो गई। वो चोरवन के हाथ में चाकू रहल। अरे हमनी तो सोच ली कि हमार मौत सामने बा। हम सोच ली कि काहे नहीं वीरन के मौत मरी। हाँ, ओकरा बाद तो हम अपन लाठी से 10 मिनट तक उनन के मुकाबला कैली। हाँ, वो लोग हमरा के देख के लाठी के देख के माफी दई कहीं के बाग कैला। मारा मारे भाई, झगड़ा भइल, रउआ के चोट भी नहीं लागल। दिनो, जल्दी चल, हमरे कमरे में सांप बा, जल्दी चल। सांप कहाँ बा? हाँ, तो है संदेह भइल होई। कहाँ बा सांप? हमरे कमरे में। दीदी, तो है संदेह भइल होई। अरे मरद होके डरत हुआ, एगो सांप नहीं मार सकत हुआ। आज बोल बोल जाई संध्या के सामने इतना बरबर फूल बरोले रानी टूटी गईल। हम दावते राली, तू जल्दी काहे कहिला? जा फेंकी आवा। मर्दानगी मर्दानगी देखावत रहल ना तू? काहे के मर्दानगी? हां मर्दानगी देखावत। हां
राम 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 हाय 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 एके कौनो ला शरम नाही रह गई बा सगरो ला शरम घोर के पी गई बिया। अब एक बात बाकी रह गई बा बाजारी में नाचल बस बाकी रह गई बा बेशरम कहीं के कल मुही कब सुधर गए थे हे भगवान आहो नीचे राम 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 हे भगवान राम 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 हाय 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 जब देख तब पूजा पाठ पूजा पाठ पूजा पाठ के ढोंग लगा के बैठल रह काम के नकाच के दुश्मन नाच के ए उठ काम कर खाना के बनाई तहार बाप बचवा सब भूखे बाड़ हम कहते उठ जब देख तब पूजा पाठ करत रहले ई सब बहाना बजे से काम न चली तहार बाप न मन तहेज नहीं खन देले कि तोहरा खाते यहां लमड़ी लमड़ी लाग रही है समझी उठ पहले काम करते हम सोचत रहली तू अनाथ पारू विधवा बारू पौभर आटा खाइबू और पड़ल रहबू जब घर के नौकर चाकर इतना खाता रह तो तू भी खा लेबू घर में बचपन के देखभाल खातिर एक औरत के जरूरत रहल सो तोहरा के रख ले ली हम ई का घर में रहबू तो ठीक से रह दूसरन के रहे के मुश्किल कह देबू तका हम के लौंडी बना के घर में रखबू अगर लौंडी बना के रखल चाहत बड़ तो भूल जा हम ई सब तोहर नहीं चले देब अगर तोहर ई मनसा बा कि केहू ई घर में आग लगा देब आ हम देखत रही ओकरे खिलाफ ऐसे हम का कहनी जेत हम के बोलत बाड़ एक काल की लौंडी तोर अंगूरी पकड़ के नचावे लागल और तू नाचे लगल ऊ तार खींचलस और तू कठपुतली के तरिया नाचे लगल हां बात बात पे उनके ताना काहे देलू अगर समझावत बाड़ू तो उनके मीठे शब्द में समझावा ई जानत हूं ना कि ताना से और जियरा जली ठीक बा ता तोहार अगर इहे मर्जी बा कि कौनो बात में हम नाही बोली त इहे ठीक लेकिन बाद में ई मत कहिया कि घर में बैठल रहलू और समझौलो काही नाही जब हमार बात जहर लागेला त का हमके पागल कुकुर कटले बा कि हम बोली हम हु देखी महारानी कैसे घर चलावेली हम बुआ बुआ भूख लागल बा खाना द हाँ अब तक खाना नहीं बनल का हां बुआ हमका भी भूख लागल बा जाके अपना नौकी माई से काही नहीं मांगत बाड़ू हमके बोलने के अधिकार नहीं खे खबरदार जो नेकी अम्मा के तू तंग कैलू समझलू बचपन के काहे डांटत बानी हमके अपन जिम्मेदारी निभावले में कौनो चूक त ना आए भइल संध्या कचहरी से लौट के ई सामान लेता आई संध्या बाय बाय हाय 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 सुतल बाड़ू आराम फरमावत बाड़ू तू यही जग अय्याशी करे खातिर आई बाड़ू काम करे खातिर नहीं जब तू जानत रहलू कि लड़कन के देखभाल करे के पड़ी त काहे घर वाले से ना कहलू कि बियाह या मत करा हां अरे वहां जाई तू जहां मरते के सिवा और केहू नहीं होवे
तुहार चौकटा देख के खुश हो रहे। सुन, अरे यहाँ ही बुढ़वा तोरा रंग रूप पर लट्टू नहीं रही। अरे वो अपन बाल बच्चा के सेवा खातिर ब्याह कइले है। बुझलू? उठ ना। एगो केस लंबा खींच गई रहल। ते काहे खातिर आपने हाथ में इतना केस लेत बानी? हमके नहीं चाहिए इतना रुपया पैसा, हमरा खातिर रहवे काफी होई। अरे आवत लक्ष्मी के ठुसरावल त न जाला। आज कचहरी में दिन कैसन रहल? अरे बहुत अच्छा। सबेरे सबेरे ही केकर मुंह देख लेनी, पता ना आज के दिन कैसन बीती। राम जाने आज खाना भी नसीब होई कि नहीं। खाना बनाव तारू। अच्छा हाँ, रुक, अब हम बतावा थे कैसन खाना बनेला। अब आधा किलो मिर्ची डाल देते। अब आई मजा, कितना स्वादिष्ट खाना तोहर होई जब सगरी लोग बाप बाप चिल्लाए। चुबर, हाय हाय हाय, अरे इन्हें की मिर्ची नहीं लागत बड़ा, बड़ा मजा से खात है, हाँ, चला, अब हम हूँ खा के देखत, देखा दें, खाई के संध्या, ना ना, बेईमानी नहीं करना, ना, हम रखेंगे।
हाँ जी। खाना बन गई? हाँ जी। जा निकालो। ठीक बा। ए मन्नू भैया बराबर फेंका है। हाँ ठीक बा। मन्नू भैया माई चला ना क्रिकेट खेलेंगे। अरे नहीं चला ना मजा आए। चला तू तू आज तो बॉलिंग करा। नहीं तू ना बॉलिंग करा। अच्छा ए भैया ठीक से बैटिंग करिए। नहीं संध्या। अरे ना ना तू आउट मारू। चला आउट मार। ये मत कर। ये चीटिंग ना है। चीटिंग ना करनी है। माय आउट मार। कैच आउट। कैच आउट। कैच आउट। हे भगवान। चम रम 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 रम। रुक जा। अब हम आवत है। हम हां मां भाई आवत है। जा मन बॉल लेके आओ। आउट 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 हो गए। आउट हो गए। अब हम खेलें। बहुत चमकी खेले हमारे। इतना बड़ा हो के समझ नहीं खेगा तोरा के? जात बाड़ी के नहीं इजाज़ है। चल जा इजाज़ है। टेंस हो खेला प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। समझ गेलू ना? प्रेजेंट टेंस के मतलब हो खेला वर्तमान काल यानी जो समय चलता है ना। समझ में आता ना? फ्यूचर टेंस के मतलब हो खेला भविष्य काल यानी जो समय। संध्या संध्या जी। कहाँ हो तुम? हम बाबू से अंग्रेजी पढ़त रहनी। हमरा से कह तू हम तोरे लिए मास्टर नहीं रखवा देती? ना ना वो बड़ा दिल लगा के पढ़ावे ले। दिन में कई के बार पढ़ावत बाटे? एक बार या कई बार? पहले तो हमरा से बोलने में भी शर्मात रहलो। अब थोड़ा खुल गई। ठीक है हम सौतेली माई हैं लेकिन है तो माई ना। मन्नू तू अपन साइंस के किताब ले आबो। जी बाबूजी। बैठा। आर्किमिडीज के सिद्धांत का है 2s^3, s^4। S2 का अर्थ कावा? हाइड्रोजन। जा तो है कुछ ना आवत है। हम तो सब उत्तर सही देले बानी। कल से तू हॉस्टल में रहबा। जा। आखिर हमरा से का गलती हो गई जे बाबूजी हमरा के हॉस्टल में भेजते नहीं? कुछ तो बात बा। बुआ जी बाबूजी कहत रहनी कल से हम हॉस्टल में रहे। हम का जाने? ताके मालूम नहीं खे ये सब तो हाँ नहीं के माई की चाल है। हमरा उन पर शक नहीं खे। रुका हम देख के आवता नहीं। कहाँ बाड़े रे तू? ए ही जा बाड़े। हट। का हो महारानी तू हम सब के घर से निकाल के अकेले रह के चाहता रू? ना दीदी ना हम के उसे कुछ नहीं के कहले। दीदी जी टाउर कैसे हमके कुछ नहीं के मालूम। हाय हाय काहे छिट कसम खाता रु? मनु के बाल भी बाका भइल ना तो देख लिया। दीदी तौवा हमरे ऊपर झूठे इल्जाम लगावतानी। हमर प्यारा बिटुआ
जकरा अभी खाए के भी पता नहीं के ओके घर से निकालता हूँ। अरे कलमी वही जब मर जाए। अरे भगवान दीदी ना हम क्यों उसे कुछ नहीं के कहले। रहुआ मनु के पड़े खातिर बाहर कहाँ भेजत बानी? ये यहाँ आवारा हो गई ल यहीं से इनके हॉस्टल भेजत बानी। रोहत का है बारे बेटा क्यों कुछ कहला सा? ना तोहार नेकी माई तक कुछ ना ही कहलीन। वो तो हमसे बोलते नहीं की तोसे कब से बात ना करेली? वो तो महीनों से नहीं की बोलत। महीनों से ना ही तोहार माई कहत रहली पूरा दिन आवारा के तरह दिन भर घूमत रहले यही से तोरा का हॉस्टल भेजता नहीं। हमर नौकी माई हमरा बारे में ऐसा कहिए हमरा विश्वास नहीं क्या हो? हे भगवान नौकी माई बाबूजी से काहे हमर शिकायत करेली? का वो यह चाहे ली कि हम घर में ना रहें? ऊपर से तो मीठ मीठ बात करेली आ अंदर से हम सही में अनाथ हो गई नी। आखिर सौतेली माई सौतेली हो खेली। माई आज तो हर बहुत याद आवता। माई छोटे मालिक, ओ छोटे मालिक, खाना खा ले। हमरा भूख नहीं खे। हाँ। मनु, वो कहत बानी भूख नहीं लागल बा। हम देखत आनी। खाना खाए काहे नहीं खे चलत हवा? कितना रात हो गई? हमके भूख नहीं खे। ई तो हम तीन बार बिंदिया के मुंह से सुन चुकल बानी। तो चौथा बार सुन ल। हमके भूख नहीं खे। खा। खाना काहे नहीं खात बाड़ा? काहे नहीं भूख है तू है? देखो अगर तू खाना ना खाइबो तो हम उन्हें खाइबो। थोड़ा सा खा ल। का तू रात भर भूखे मरल चाहत बाड़ा? माई अब तक खाना ना खेली हमरा कारण से अब तक भूखल बड़ी खोर पाप भाई। हमरा वजह से रुआ रात पर भूखा रहनी एकरा खातिर हमरा बहुत अफसोस बा। हमके माफ कर दी माई।
का तू हमरा के ऐसन समझत कि तू भूखे रहे और हम खाना खा के सो जाई। सौतेली माई के नाता भइले के कारण हम सौतेली माई ना हो जाई। हाँ संध्या, संध्या हेड आवा। यहाँ का करत बारू? का करत है? अपने भाग्य पे बैठ के रोवत बानी। बस सच जो बुराई के जड़ हम ही बानी। केहू ऊहा मुंह फुला के बैठल बा तो केहू इहा मुंह फुला के बैठल बा। केकरा केकरा के हम मनाई और कहाँ तक मनाई समझ में आवत नहीं थी। का बात बा? खाना खाए नहीं खे आवत। और का बात बा? कई बार बिंदिया के भेज चुकली। खाना नहीं खे खात? भूख नहीं खे लागल। थोड़ा खाला? भूख नहीं खे लागल। अच्छा जब भूख लगी ना तब खा लिया। खाना खा ली लुका? का करी केहू खाते रहने जल छोड़ दे। अरियो महारानी, ए दिनकर, हाय 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 हाय, का होत भाई सब? ए दोर अपिल सब मार गई पका, का होत बा? आज दिनकरी, बहुत कोशिश कहली, तो से अपने ख्याल न किया, कहीं ऐसा न करिया कि पढ़ाई के चक्कर में अपनी सेहत बिगाड़ ली। तुम्हारा कल मार गई पका? नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। बैठी बैठी। धन्यवाद। नमस्ते सर। मन्नू के हॉस्टल में भर्ती कराए के बाद आज देखी जगह तो पूरा फूल हो गया। कृपा करके कुछ करी, बहुत जरूरी बा। एक काम करिए आप, ये फॉर्म भर दें ओकरे बाद हम कुछ सोचें। हां ठीक है। धन्यवाद children. Today we will discuss the geographical structure of India. In north side we have Himalaya mountains and remaining three side sea is covering India. Mannu, where are you?
Pay attention to me. What happened? What's wrong with you? Are you not interested in studies? Sit down, Manu. Sit down. Sorry, Manu. So, children, southern states are Tamil Nadu, Kerala, Andhra Pradesh. Manu, stand up. Where are you looking at? Listen to me. Go out. Just go. ना लागल बा खाना काहे नहीं खाओ हम ना खाई भैया भैया कल इतवार है आइबा घरे ना हमरा कुछ काम बा भैया कल नहीं आइबा तो माई यहां खुद ही चले आई माई के कहबू तो उनके तकलीफ हुई तू कह दिया कि उनकर परीक्षा बा हम उनसे झूठ ना ही बोलब कह देबे कि तू उनसे नाराज बाड़ा बेटा अरे ये तो हर का हालत हो गई बा बैठा 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 लो खा ले बेटा खा ला बेटा खा ला बेटा खा ला बेटा खा ला का भइल बा सिर में दर्द बा उल्टी जैसन महसूस होता सांस लेवे में बहुत तकलीफ होता खांसी आवता अखिया के सामने चारों तरफ अंधेरा छा जाता जीभ निकाला
नाम? मनु। उम्र? 22 साल। वहां लेट जा। आप तनी बाजू हटी, सांस ला। जोर जोर से ला। मनु, तोहार तबियत काफी खराब बा। देखिए इनकर हालत बहुत खराब बा। आप इनके हॉस्पिटल में भर्ती करा दें तो ठीक रही। इनका हालत नाजुक बा। ठीक बा डॉक्टर साहब, भर्ती कर दई। से वो खाना ना खैली, दिन भर रोत रहली। उनसे एक दिन हम पूछली तो कहे लगले तोहार घर है, रहा आराम से। अच्छा कहने, माई बाबूजी से शिकायत ना करेली? ऐसा तो कुछ नहीं भाई, बेचारी रोए लगली, हम भी रोए लगली। हमारा आंसू पोंछ के बोले कि हमार भाग्य में जो कलंक लिखल बा बस उहे भुगत बानी। हम तोहरे भाई के घर से ना ही निकलली, हम तोहरे भाई के घर से ना ही निकलली, हम तोहरे भाई के घर से ना ही निकलली, ना ही निकलली। ये बहुत गहरा चालबा, तोहरा ना बुझाई। हमके ऐसे ना ही लागा, वो तोहरे खातिर रोवेली, कहली कि हमार कारण मन्नू घर छोड़ के चल गई, हम आपन मजबूरी कैसे बताई। ई बात मनु हमरा समझ में ना आई, हमरा समझ में ई बात ना आई कि बाबूजी के देख के काहे मुस्कुराएली। एकर मतलब बाबूजी माया हमरा पर शक करत रहले, माई पर का बीतत हुई। हे भगवान, हम माई के कितना गलत समझनी। माई बेटा पर इतना बड़ा कलंक, हम ही कलंक धो के रहे, चाहे जान काहे ना देवे के पड़े। भगवान, ये हम का कह दें, का माई ये सब बर्दाश्त कर पाई है।
नाई खेले और डांट के फेंक देले। बीमार बड़े खाना नहीं के खात हम यही सोचत रहनी ओकर पढ़ाई में मन लागत नहीं बा वहां ओकर पढ़ाई हो जाई और का करी जरा सोची यही खातिर रहुआ हॉस्टल में भेजले रहली और रोहरा मन में कोनो बात न रहे और का बात हो सकत बा ठीक बा अब रहुआ कृपा करके वापस ले आई अगर हमरे कारण रवा वापस नहीं खेले आवल चाहत बानी तो हमरा के हमरे घरे भेज दे ही बाबूजी उठ कहाँ गई ला बाबूजी लेट जा बेटा लेट जा रवा काहे का सुट है नहीं आराम से तो गई लड़का हाथ से निकलल जात बा एकर सेहत दिन पर दिन बिगड़त जात बा एक ही घर ले चलते हैं ना ही वहां संध्या बा हम ना ही ले जाई देखी इनकर हालत बहुत सीरियस बा बेटा घरे चलवा बाबूजी हम मर जाए लेकिन घरे नहीं जाए रुवा जाए यहां से जाए जाए नहीं बेटा घरे चलो बेटा घरे वापस आके खातिर एकरा मन नहीं बा छोटे परेशान होत रहनी इकरा मतलब हम गलत सोचत रहनी बनो निर्दोष पा कहीं ऐसा तो नहीं कि इकरा के मालूम पड़ गई हम अगर मालूम पड़ गल होई तो जब हो जाए और का हाल बताई ओकरा के घरे काहे नहीं ले आवत बाड़ी उ नहीं आवत बा का जबरदस्ती उठा लाई कितना समझौली बेटा घर चला लेकिन माने तब ना उ कहत बाटे हम घर ना जाई वही मर जाई अरे उ तो जिद्दी हा उ घरे वापस नहीं आई और तू हा देख ली हा वो वहाँ भी ठीक नहीं होई हाँ कई देर पानी तू कोई चार दिन का तिरुवा चली जाती थी
हमार बात तू हमारी तीसरी बात मान ले। उका घर से निकलस के उका हम उके पढ़े के खातिर भेज ले रहली। हम वहां जाए खातिर तैयार बानी। अगर अगर हमरे हमरे गईले से हमरे लाल जान बच जाई तब सर के बल दौड़े जाई। दुखी होकर बीमारी का कारण बा जाई दाम का। हॉस्पिटल गए रहे रूपा? हाँ गेल रहनी। आज भैया चुपचाप चार पाई पर पड़ल हाथ पैर पटकत रहले तो हर बाबू जुआ रह लेना है रह लेना। आज बाबूजी बहुत रोत रहले। डॉक्टर साहब का कहत रहल? डॉक्टर कहले जवान आदमी का खून चाही। डॉक्टर मन्नू भैया मन्नू के देखे खाती यह भागा के कारण रुआ व्यर्थ में इतना कष्ट उठावे के पड़ल माई। हमरा और एसान जीवन भर ना भूले। भगवान साक्षी बाड़े माई हम कभू भी रुआ के अपन सौतेली माई ना समझे बल्कि अपना स...
सगा माई से भी बढ़कर प्यारा इज्जत देले बनी। हमर भगवान से यह प्रार्थना बाकी हमर पुनर्जन्म भी रुवे कोख से होको, ताकि रुवे कर्जा से हम मुक्त हो सके। बस माई, अब और नहीं क्या कहा जा, इजाजत दी माई, माई माई इजाजत दी। हमारा पिता।
हमार किस्मत ऐसे रुक गई जैसे बरखा बंजर जमीन से रूठ जाला। हमरा से कुछ छुपल नहीं बा बच्चा, तू उदास मत हो, भगवान श्री गणेश के मंदिर में जाके पूजा अर्चना करो, तुहार कल्याण अवश्य होई, तुहार दुख दूर हो बच्चा। अरे संध्या। हेलो संध्या, कैसन बाटू? ठीक बानी। वकील साहब कैसन बाटा? उनकर तबियत तनी खराब बा। संध्या, ई सुधा हैं हमार मंगेतर। नमस्ते। नमस्ते। रउआ बहुत खुशकिस्मत बानी, डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया आदमी हैं, हमारे यहाँ केहू दोस्त नहीं खे, कभी मिले आ जाइल करी। हाँ, हमो के ऐसन लागत बा कि तोहार मन भी हमरे ही जैसन बा। ठीक बा, हम चलत हैं। बाय। संध्या, पता है तोहार अखिया कैसन लगतिया? एकदम गाड़ी के हेडलाइट जैसन। ओ देख कितना बढ़िया बा, है ना? बिल्कुल ठीक। वकील साहब कैसन बाड़ा? का कही सुधा, उनका तबीयत दिन ब दिन खराब हो जाता, न जाने ईश्वर के का मर्जी बा। चल बैठे के। तू हमार बात माना, एगो काम करा, 5-6 दिन खातिर तू वकील साहब के बाहर ले जा, ताजा हवा में तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए। सुधा, कुछ लक्षण ठीक नहीं खेला गए, देखी भगवान का करत बाड़न। हम बड़ा अभागिन बाड़ी बहिन, ब्याह के 1 महीना पहले ही पिताजी का देहांत हो गए, फिर जहाँ ब्याह पक्का भइल रहे वो लोग मुंह फेले लहस। जहाँ पहले ब्याह के बातचीत भइल रहेल वो लोग काहे नहीं केले? दहेज में उनके सोने के गठरी चाहत रहल। वो लोग बड़े नीच बाड़ा, कहाँ के रहे वाला हवे? नाम तो याद नहीं खे, लेकिन लखनऊ के रहल, कौनो बड़ा ऑफिसर रहल वो लोग। और उनका लड़का का करत रहल? कुछ ना करत रहल, लड़का पढ़त रहल। वो अपने पिताजी से कुछ ना कहले? वो तो जवान रहले ना, चाहते तो दबा सकत रहले। अब हम का जानी, सोने के गठरी के अच्छा नहीं लागेला।
अगर वो लड़का हमरा के मिलत तो हम ओकरा के अच्छा सिखौती। हमरे नसीब में जोन लिखल रहे तवन हो गई। कहीं हमार शक सही तो नहीं जात बा? कहीं सागर ही वो लड़का ना हवे जो दहेज के खातिर संध्या के छोड़ देले रहे? हमार का हुई है, कैसे सागर से पूछी, पूछे के तो पड़ी। काजी, रवा उ आदमी के का कहब, जे एक जगह विवाह ठीक कहला के बाद दूसरी जगह लालच से रिश्ता करी? ऐसे नहीं करे के चाहिए और का। ये बात तो तू आराम से कह सकलू, इतना गरम काहे होत हो? ये काहे नहीं के कहत कि घोर नीचता बा, पहले दर्जा का कमीना पन बा। हाँ, ये कहले में इनकार ना बा। केकार अपराध बड़ा बा, बाप के या बेटा के? जैसन स्थिति बा, अगर वो पिता के अधीन बाटे तो पिता का अपराध समझल जाए ना। ये काहे नहीं के कहत कि बाप और बेटा दोनों अपराधी बाड़े, और बेटा उनसे भी बढ़ के? अरे बूढ़े लोग सोचेला कि लड़की पक्ष के लोग से जितना ज्यादा हो सके ले ली, कारण की पूरा घर संभाल के पड़ी। लेकिन दूल्हा का फर्ज होला कि अगर वो स्वार्थ के हाथों ना ही बिक गेल बा तो आपन आत्मा बल के परिचय दे, और अगर वो ऐसा नेखे करत तो हम ई समझब कि वो लोभी और कायर बा, नीच से भी नीच बा। और दुर्भाग्य से ऐसा ही आदमी हमार पति होखे वाला बा। दूसर बात रहल, लेन देन का कारण ना रहल, उनकर बाप मर गेल रहल, ऐसा हालत में हम का करती? और सुनने में आई रहल कि कन्या में ऐब बा। हाँ। तो कही दा कि लड़की काणी बा, कुब्बड़ बा, बच्चलन बा, लंगड़ी बा, लूली बा, अंधी बा, इतना कसर रहो काहे छोड़ दे रही? अरे भला हम भी तो सुनी वो लड़की में का बुराई बा। हम देखले तो ना रहली, पर सुन ले रहली कि ओकरा में कोनो ऐब बा। ओकर सबसे बड़ा ऐब ई बा कि ओकर पिता के स्वर्गवास हो गए, राउर तकदीरी खोटा बा। रवा हमरे पाले पड़े के रहली, ज्यादा बड़ाई का करी? ऐसन सुंदर कन्या हम अपनी आँख से कब्बो ना ही देख ली। सच कहा, उनसे कहा मिल लू? कहा तू उसे मिल के लियो है? हाँ, हमरे घरे एक बार ना, कई बार आ चुकल बाड़ी। सच? जानत हो लड़की के है, वकील साहब की बीबी है। अरे धन्य उनका साहस जो बूढ़ा खूसट वकील के साथ आपन जिंदगी काटत है। ओकरे जगह हम होती ना तो हम तो कप का जहर खा ले ली होती, तू और तुहार जैसा साथी। बिना भारी गठरी ले ले बाप तक नहीं कर ले, तो फिर ये बिचारी केकरा घरे जाती? ए राम, भगवान के खातिर सुधा चुप रहा, ऐसन बोली ना बोला ना ही तम घर छोड़ के चल जाए। जोन काटा बोएला ओकर फल खाए में काहे डरत बाड़ा, जेकरे गर्दन पर तलवार चलाए ले बाड़ा। अरे तनी कोकरा के तड़पत भी देखा? हमार दादाजी 1,00,000 रुपए दे ले ना, अब छोटे भाई के ब्याह में 1-2 लाख और मिल जाए, और का चाहिए? दुख यारी
बा, तू जल्दी से जल्दी आ जा। का हो तोहके वह खाना नहीं मिलत रहेल? ना माई, ओहा के पानी हमरा के रास ना आई, तबियत हमेशा बिगड़ल रहे। ऐसे अच्छा तो हमरा लगे रहे। तोहे कहुनो तकलीफ है वहाँ? अरे सुना, तू इतना रुपया काहे भेज लू? के रुपया भेज ले रहल? सच माई हमरा के मालूम नहीं खे। हम लाख गरीब पानी, पर बेटी के धन खेले के नियत नहीं है हमार। तो हर क्रिया माई हम ना रुपया भेज दे रहनी। भेज लू नहीं तो का आसमान से आ गए? तो हर नाम ओपर साफ लिखल रहल, मोहर भी वही जगह रही। तू ना भेज लू तो आए कहां से? सही सही बताओ बेटी, तू ना भेज लू तो के भेज लस? हमरा तो मालूम नहीं खे। बड़ा अजीब बात बा, वहां तो क्यों सगा संबंधी भी नहीं खे अपन? कहीं वकील साहब तो ना भेज ले तोरा से छुपा के? हमरा के तो विश्वास नहीं खे हो। एकर पता तो लगावे के पड़ी। जोन पैसा रहे हम दीपा के कपड़ा और गहना में खर्च कर देनी। ये ब्याह के बात सुन के हमरा बड़ा ताज्जुब होत बा, ये सब कैसे हो गेल माई? ये जे भी सुनेला दांत में अंगूरी दबा लेला। जवन लोग थोड़ा सा पैसा खाते रिश्ता तोड़ दे, वो बिना कुछ लीले दिले राजी हो गए। पहले तू हमारे से थैली मांगत रहला। हाँ बाकी आजकल दहेज के नाम से भी चिढ़ेले। पंडित जी बतावत रहनी लड़की से खुश नहीं। चल दीपा। जीजा जी ऐला? आवे के तो कहले बानी। अब तो तोहरा से खुश रहला ना कि अब्बू वही हाल बा? हम तो सुन ली कि दुआजू पति अपने पत्नी के बहुत मानेला, पर यहाँ तो उल्टा ही देख ली। आखिर कौन ऐसन बात बा जो जीजा जी तोहसे नाराज रहला? अब हम केहू के मन की बात का जाने? हमरा लागत बा तोहरा ये बेरुखी से बिगड़त हुई है। ऐसन बात नहीं खे दीपा, हम कसम खा के कहत बानी कि उहा के प्रति हमरा मन में कौनो मेल नहीं खे। लेकिन जोन बात हमरे और उनके बस के बाहर बा, हम दोनों का कर सकते हैं? ना वो जवान हो सकत हवे, ना हम बूढ़ हो सकते हैं। वो जवान होवे खाते न जाने कैसन कैसन भसम वसम खात रहले, फिर भी जवान नहीं होत हवे, और हम बूढ़ होवे खातिर खाना छोड़ दे रही। मनु के तू बहुत प्यार करत रहलो ना? वो लड़का ही ऐसा रहले कि जे देखे वो मोहित हो जाए। तू ही बता, तो हर ब्याह 50 साल के आदमी के संग हो जाए तो तू का करबू? दीदी हम तो जहर खा के सो जा, लेकिन ओकरा मुंह ना ही देखो। बस मिल गई हमरा के जवाब।
कृपा श्री गणेश की रंक बनेल राजा ई गण नायक भगवान भक्तन को दे वरदान ई गण नायक भगवान भक्तन को दे वरदान भक्ति जगावे वाला मान बढ़ावे वाला भाग सजावे वाला बिगड़ी बनाने वाला दया दिखावे वाला मोदक खाए वाला ई गण राजा देवता ओ देवता श्री गणेश देवता मोरे घर आवा श्री गणेश देवता ओ प्रभु जैसन के हुन दूजा भक्त जन कर लो पूजा ओ प्रभु जैसन के हुन दूजा भक्त जन कर लो पूजा जय गणराजा जी के ले जाके बैठावा कैसन बाडू हम ठीक बानी हाय 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 प्रणाम दीदी जी 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 प्रणाम बुआ माई प्रणाम आव नमस्ते जी नमस्ते आई अंदर आई कौन हवे कैसे पूछी दूल्हा का बड़ भाई नहीं आइलन का आइल बाड़े सुनी दूल्हा का बड़ भाई कौन हवे ओ बैठल बाड़े ओ हे भगवान सुधा प्रणाम बस इतनी बड़बड़ तू हमसे छुपौलू हां एक मिनट कम से कम इतना तो बता दे ले रहा तू तो डॉक्टर साहब से हम पर्दा कर ले ले होती अरे अगर तू पर्दा कर तू तो तोके देख ना ही पोते और ना ही देख पोते तो अपन किस्मत पे रोते कैसे और जनते कैसे कि लोभ में पड़कर कितना कीमती चीज खो दे ले है मुंह से तो कुछ ना कह ले पर अपने भूल पे पछता ले ला बहन अब जितना जी में आया डाटा जितना जी में आया फटकारा तोहार गुनेगार हम तोहार सामने खड़ा कर देली हमके प्रायश्चित करे का रास्ता जरूर बताए दे सजा तो दे दे कौनो गलती नहीं खे सबसे बड़ अब हगन तो हम हैं हमरे भाग में जवन लिखल रहल ओ भाई हम तोहार सबसे बड़ा गुनहगार हैं हमें माफ कर दे Ha ha ha.
बाबूजी, हाँ बाबूजी, लेट जाओ। बाबूजी चिंता ना करो, सब ठीक हो जाए बाबूजी। कोनो परेशानी होकर तो हमें बता दी है। Thank you.
संध्या दीदी संध्या दीदी रहुआ जाई जाई रहुआ तू रह दा ना दीदी ना रहुआ रह दे हम धोले वे बस रहुआ जाई ना दीदी ना ना दीदी संध्या ना रोई चिंता जीन करा संध्या हमार सहेली बेचारी जवानी में ही विधवा हो गई हमरा के एके खातिर कुछ करे के पड़ी हमके तो कोई भी मिल जाए सागर और संध्या के मिला देवे के चाहे कहे कि संध्या विवाह है ऐसे विवाह के करी हाँ ई ठीक रही कुछ करे के पड़े कर हमरा लगे उपाय बा हम तोहरा और संध्या के एक साथ देखे के चाहत बार हीला तोहरा मानत इका
लीडर। कैसे पूछी बुआ से, बिगड़ जाई हैं तब, लेकिन चुप रह के भी तो ना ही चली, पूछे के तो पढ़वे करी, चला पूछ ले थे। बुआ बुआ नाराज हो जाए तब, लेकिन बिना पूछे तो ना ही चली। एक को बात कही, संध्या के सागर अपनाओ के खातिर तैयार बाड़ा। सुधा सही कहते, हम संध्या से बात करब। संध्या से कैसे कहीं, संध्या दीदी बैठी। माने तो एक बात कही, संध्या हम हमेशा तुहार बुरा चली, लेकिन लेकिन आज तुहार भला खातिर एगो बात कहत बानी। संध्या तू अपन घर बसाल, डॉक्टर हवन जे दहेज खातिर तो से ब्याह के लिए से मना कर देले रहले। सुधा इहे कहले शादी करबू न तू, मानबू ना हमार बात। बोला बोला संध्या। हाँ हाँ मंदिर जाते
का सोच लो संध्या, का बात करत बानी दीदी? अबहिन तो उनके गईले एक साल भी नहीं के भईल, दुनिया का कही? दुनिया के चिंता छोड़, जे छोटा बड़ा के कहना मान के काम करेला, ओके कौनो अपियस नाही लागेला। अब हम अकेले नहीं खे, ये बच्चे भी हमार जिम्मेदारी हमें। हम हैं ना? मजाक बा, रंगवा सुननी दीदी का कहत बाड़ी? एक कर जवाब हो रंगवा से सुने चाहत बानी, रंगवा हमरा के जवाब दे। प्रभु रंगवा हमरा के जवाब दे। हमारी बेटी चला, सुधा तू नहीं जानत बड़ू, तू हमरे ऊपर कितना बड़ा उपकार कैलू हो, अपन प्यार हमरे झोली में डाल के। ना संध्या, तू खुश रह, हम ये बिया नहीं कर।
हम ये ब्याह नहीं कर पाए। संध्या, हम जानत बाटी तू ऐसे काहे कहत हो। हम तो के मजदार में ना छोड़ब ना। संध्या, तोहार बेटी के हम आपन बेटी बना ले त नारायण नारायण। कहो नारद, का परिणाम निकलल? प्रभु, परिणाम तो अच्छा हो, परंतु रहुआ मदद ना करती त काहे? हम का मदद कैली त ओकरे भक्ति के शक्ति रहल। जो भी भक्त सच्चे मन से हमें पुकारी, हम ओकरे लगे हमेशा रहब। आप तो दया के सागर बानी। ई अटल सत्य बा कि आपका भक्त कबहू संकट में ना आ सकेला। आप विघ्न विनाशक हैं, हमरे ऊपर दया करी प्रभु। दया हमसे नहीं, हमरे भक्त से माफी मांगी। हम एमे कुछ नहीं कर सकत हैं। तक हमके माफी मांगे के जाए पड़ी? नहीं, यहीं से माफी मांगा। वो अबही उदास बा, तीन तक गिना, अगर वो मुस्कुरा दिलस तो मान लिया तुम्हरा के माफ कर दीली। हे गणपति भक्तिन, हमके माफ कर दे। एक दुई पौने तीन तीन। प्रभु प्रभु प्रभु, ऊ हंस पड़ल प्रभु। अब तो माफ कर दी हमके। हाँ, ऊ तो तोहरा के माफ कर देगी, पर हमार दिल इतना बड़ा नहीं खे, हम तोहरा कबो माफ नहीं करब। तो हम का करे प्रभु, हमरा से गलती हो गई। रउआ के 1000 बार उठक बैठक करे के पड़ी। का हाँ, जोर से। हाँ, और जोर से, और जोर से। अब तक क्षमा कह दे प्रभु। तथास्तु। जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहां कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। चाहिए थोड़ा प्यार चाहिए, चाहिए थोड़ा प्यार, थोड़ा प्यार चाहिए। जब से मिले नैना तुमसे मिले
जादू है बिन डोर खींचा जाता हूँ।